Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 26 July, Sunday, and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so first of all, let's start with a quotation or a line which will make you boost up, or I can say which will boost your energy. So success doesn't make you and failure doesn't break you. कई बार लोगों को सुना है मैंने कहते हुए कि फेल होने से काफ़ी हार जाते हैं, टूट जाते हैं एंड ऑल, बट समवेयर सम वेल नोन पर्सन और सक्सेसफुल पर्सन सेज दैट कई बार जो है हम कि कुछ चीज़ों में फेल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें तोड़ दे. ना तो सक्सेस आपको बना सकती है. अगर आप सक्सेस की डेफिनेशन लें तो सक्सेस का मतलब है जहाँ आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड हैं, है ना. तो सक्सेस सिर्फ चरम पे पहुँचना ही नहीं होता है. तो सक्सेस ही आपको नहीं बना सकती है. आप अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है. सक्सेस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट विल मेक यू पावरफुल और समथिंग एल्स. एंड फेल्योर इज़ नॉट द थिंग दैट विल ब्रेक यू बिकॉज इट डजेंट हैव एनी पावर. इवन द every individual element or a person don't have any power to break you or make you. You yourself have the power to make you or break you. So don't get demotivated while you get fail, or don't get excess motivated if you get success, because it was your efforts to be a successful man, so you are a successful. Okay. So, success doesn't have any power to make you, or failure doesn't have any power to break you. So, always be powerful on your own, not depends on success and failure. Okay? चलिए आज का news analysis start करते हैं. The first news is Ladakh left out in the cold 11 months after becoming a union territory. Union territory बनने के बाद में जो है लद्दाख की बात कही गई है यहाँ पे. 11 मंथ्स हो चुके हैं लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बने हुए. 11 मंथ्स आफ्टर इट वॉज कार्व्ड आउट अ सेपरेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट या सॉरी एलटी द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन ऑफ लद्दाख इज एट अ क्रॉस रोड्स विथ मिनिमल स्टाफ फंक्शनिंग फ्रॉम मेक शिफ्ट अकोमोडेशन. No recruitment agency to filigreed post, no formal bank and a dispute over its capital. देखिए basically जो है इस particular article, क्योंकि जो article है वो cut short किया गया है, इसलिए काफ़ी disturbing words दिखाई दे रहे हैं. आई मीन इट इज़ नॉट दैट मच क्लियर. सो मैं आपको बता देती हूँ किस पर बेस्ड है ये बेसिकली. एंड हेयर देखिए एक डेजर्टेड एरिया टाइप हो गया है, कोई बाहर नज़र नहीं आ रहा है लद्दाख में. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कारगिल एरिया के अंदर शट डाउन हो चुका है. स्टूडेंट्स बॉडी के को नज़र आने के बाद में द यूटी ऑफ लद्दाख इज़ फेसिंग सीरियस कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैन पावर एट वेरियस लेवल्स. काफ़ी कॉन्स्ट्रेंट्स देखने को मिल रहे हैं लद्दाख के अंदर. कुछ डायरेक्ट्रेट्स जो है या हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो हेडलेस है बिल्कुल. एंड विच इज़ एडवर्सली इफेक्टिंग द डिलीवरी बाय पब्लिक सर्विस इन लद्दाख. बेसिकली पब्लिक सर्विसेज को लेके काफ़ी जो है झोल दिखाई दे रहा है लद्दाख के अंदर. अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है लद्दाख में जो वहाँ के लोगों को परेशान कर रही है और जीवन जीने के लिए कठिनाइयों को जो है सामना करना पड़ रहा है वहाँ के आम लोगों को, आम जनता को. ठीक है, उसी को लेकर यहाँ बात बताई गई है. रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है. और इन सब के बाद में आफ्टर द 11 मंथ्स इट बिकम्स द यूटी बनने के करीब 11 मंथ्स के बाद की जो कंडीशन है उसको देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बनना अपने आप में एक डेजर्टेड एरिया में कन्वर्ट हो जाने के तौर पर सामने आया है. बिकॉज लद्दाख वॉज अ पर्टिकुलर प्लेस जो काफ़ी रिलिश करता है, तो उस कंडीशन में ऐसी प्लेस को इस तरीके से हो जाना, उस तरीके से हम कह सकते हैं ज़ीरो पे चले जाना ऐसी प्लेस का, इट इज़ समवेयर क्वाइट डिस्टर्बिंग एट ऑल. ओके,
एंड रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स नहीं हो रहे हैं, गवर्नेंस अच्छे से चल नहीं रहा है, गवर्नमेंट जो है वहाँ के रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही है और वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पीक पर है। इन सब चीज़ों को देखते हुए लद्दाख की कंडीशन जो है इकोनॉमिकली ले लीजिए या सोशली ले लीजिए काफ़ी डाउनवर्ड्स नज़र आ रही है। ओके सो दी ऑल दीज थिंग्स आर मैंशनड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, स्पेशल आर्टिकल है ये जो आज के लिए लिया गया है, संडे स्पेशल आर्टिकल, एंड इसके अंदर हाईलाइट किया गया है लद्दाख की कैटेगरी को, लद्दाख की सिचुएशन को। ठीक है, वैकेंट पोजिशन होते हुए भी एम्प्लॉयमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स नहीं किए जा रहे हैं, उन सबको देखते हुए ये आर्टिकल यहाँ फॉर्म किया गया है और यहाँ पर हमें लद्दाख की कंडीशन से रूबरू करवाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। यूएन रिपोर्ट फ्लैग्स आईएस थ्रेट इन कर्नाटका केरला। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि केरला और कर्नाटका में जो है आईएस का थ्रेट बताया जा रहा है एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टेररिस्ट प्रेजेंट, ऐसा यूएन का कहना है, यूएन की रिपोर्ट का कहना है कि केरला और कर्नाटका में काफ़ी मात्रा में टेररिस्ट उपलब्ध हैं। यूएन रिपोर्ट ऑन टेररिज्म हैज़ वॉर्न्ड, यूएन रिपोर्ट ने वॉर्न किया है टेररिज्म रिपोर्ट ने कि देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट जो हैं वो काफ़ी मात्रा में केरला और कर्नाटका में उपलब्ध हैं। नोटिंग दैट द अलकायदा इज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS टेरर ग्रुप इज़ प्लानिंग अटैक्स इन द रीजन, और केरला कर्नाटका के कुछ रीजन स्पेसिफिक रीजन्स में जो है अटैक की बात की जा रही है कि अलकायदा के जो ग्रुप मेंबर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो कहीं ना कहीं जो है अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। द 26th रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेंक्शंस मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग द IS, द अलकायदा एंड एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज सेड दैट अलकायदाज ऑपरेट्स अंडर द तालिबान अम्ब्रेला फ्रॉम द निमरूज हेलमंद एंड कंदाहर प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कंदाहर, हेलमंद और निमरूज नामक जो प्रोविंस है वहाँ से तालिबानी अम्ब्रेला, तालिबानी छत के नीचे उनकी छत्र छाया के अंदर जो है अलकायदा के सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं और उसी के चलते यहाँ पे जो है जो यूएन की रिपोर्ट जो बता रही है कर्नाटका और केरला में भी इस्लामिक स्टेट्स जो है के टेररिस्ट की के होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, अलकायदा जो ग्रुप है रिपोर्टेडली हैज़ बिटवीन 150 to 200 मेंबर्स फ्रॉम बांग्लादेश, 150 to 200 मेंबर्स उसके बांग्लादेश से हैं, इंडिया म्यांमार एंड पाकिस्तान, द इंडिया म्यांमार पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के करीब 150 to 200 मेंबर जो है इस ग्रुप में शामिल हैं। द करंट लीडर ऑफ द अलकायदा इज़ उसामा महमूद हु सक्सीडेड द लेट आसिम उमर को जो है लीड किया था उन्होंने, और कौन है अभी एट प्रेजेंट अलकायदा के लीडर जो है वो उसामा महमूद, उनके अंडरटेकन है ये सारा जो अलकायदा का सिस्टम प्रोसीजर जो चल रहा है वो सब कुछ उनके अंडरटेकन है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान चारों कंट्रीज को मिलाकर करीब 150 to 200 ग्रुप ऐसे हैं जो कि इसके अंडर में आते हैं, अलकायदा के ऑपरेशंस के अंडर में आते हैं। ओके सो ओवरऑल ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो करीब 180 to 200 जो है ग्रुप्स की का आइडिया हमें May 10, 2019 को मिला था, ये अनाउंस किया गया था एंड इंडियन एफिलिएट्स द्वारा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूएन जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक टेररिज्म को काफ़ी फोकस किया गया पिछले कुछ सालों में और उसी को देखते हुए जो है इंडिया के केरला और कर्नाटका में रिसेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की संभावना जताई जा रही है। तो समवेयर द गवर्नमेंट हैव टू बी अवेयर एंड द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और टेररिस्ट कैप्चरिंग डिपार्टमेंट जो है उन्हें थोड़ा सा अलर्ट होकर के इन सारे मुद्दों को देखना होगा और उसी के साथ में टेररिज्म को जो है कम्प्लीटली ओवर करने, देखिए हालांकि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता आतंकवाद को, लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है या कम करने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। सीनियर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिसर हैड रिजेक्टेड द क्लेम की बात कही गई है। यहाँ अरेबिक नेम ऑफ द न्यू ब्रांच इज विलिया ऑफ हिंद,
विलय ऑफ हिंद, सॉरी इंडिया प्रोविंस के बारे में कहा गया है कि विलय ऑफ हिंद, तो यहाँ इसके ऊपर जो है इसकी जो है कवायद की गई है, या हम कह सकते हैं अरेबिक नेम के तौर पर जो है इस एजेंसी का, न्यूज़ एजेंसी ने नाम लिया है। सो समवेयर जो है हम देख सकते हैं कि अलकायदा के जितने भी ग्रुप्स हैं, इवन टेररिस्ट के जितने भी ग्रुप्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं इंडिया को। और फिर उसी बीच में केरला और कर्नाटका की ये न्यूज़ आना, रिपोर्ट्स आना, अपने आप में कहीं ना कहीं डराने या हम कह सकते हैं एक भय पैदा करने वाली रिपोर्ट्स हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द ग्रुप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट हेड्स विल टेक द डिसीजंस एट ऑल। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ हरियाणा टू होस्ट 2021 खेलो गेम्स पंचकुला इन हरियाणा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020 जो है आईपीएल की बात कही गई है और आईपीएल ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं, तो उसी के साथ में एक और गुड न्यूज़ आई है, 2021 खेलो गेम्स जो है होने चले जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा होस्ट करेगा इसे। पंचकुला इन हरियाणा विल बी होस्ट द होस्ट ऑफ 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया। खेलो इंडिया जो है यूथ गेम है 2021 के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाला है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में, एंड इट विल बी हेयर इन इंडिया बाय 2021। पंचकुला जो है हरियाणा के अंदर, वहाँ पे इसे अरेंज किया जाएगा, इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द स्टेट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये चीज़ अनाउंस की है सैटरडे को कि हरियाणा के पंचकुला को जो है सेलेक्ट किया गया है 4th एडिशन के लिए खेलो इंडिया के। ओके, यूथ गेम्स है। यूजुअली द गेम्स टेक प्लेस इन जनवरी एवरी ईयर, हर साल जो है यूजुअली जो है ये गेम्स जनवरी के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हाउएवर दिस टाइम ओविंग टू द पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड ऑल द सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशंस एंड ऑल हेयर, हम ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए अब तक। इसीलिए आईपीएल ले लीजिए या खेलो इंडिया, खेलो गेम्स ले लीजिए, तो कुछ भी इस तरह के जो ये सारे गेम्स हैं इन्हें ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आने वाले टाइम में, है ना। 2021 के अंदर खेलो गेम्स को होस्ट किया जाएगा। उसी के साथ में जो है आईपीएल की भी अभी न्यूज़ आई हमारे पास में, तो समवेयर वी कैन से कि अब हम थोड़ा सा गेम्स के ट्रैक पे आना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सारी इनिशिएट जो किया गया है उसके तहत हमें लगता है कि COVID-19 के साथ ही, इसके ख़त्म होने के साथ ही गेम्स जो है फिर से एक बार अपनी ट्रैक पर जल्दी ही नज़र आएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ मेड इन इंडिया, द हैंडमेड कॉपी ऑफ स्ट्रादिवेरियस वायलिन की यहाँ पे बात की गई है। एक हैंडमेड कॉपी है और मेड इन इंडिया है, सो समवेयर बहुत अच्छी कह सकते हैं एक बहुत अच्छा तमिलनाडु का इनिशिएटिव है। वायलिन जो कि इंडियन म्यूजिक के सीन में एक बहुत कॉलोनियल रूल से बेसिकली स्टार्ट हुआ था ये, तो बालास्वामी दीक्षितर जो है, जो कि ब्रदर है मुथुस्वामी दीक्षितर के, उसके अलावा वादी वेलू जो है, जो कि यंगेस्ट ब्रदर है, यंगेस्ट ऑफ द लेजेंडरी है एंड थांजोवर क्वार्टर के, वर पायनियर्स इन अडेप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर कार्नेटिक म्यूज़िक। उन्होंने बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट वायलिन को जो है कार्नेटिक म्यूज़िक के दौर में इस्तेमाल किया था सबसे पहले। बट द आर्ट ऑफ इंडिजीनियसली डिज़ाइनिंग अ हैंडमेड वायलिन रिमेंड अ मिस्ट्री फॉर सेंचुरीज। कई सारे सालों तक जो है हैंडमेड वायलिन को लेकर जो एक आर्ट है उसे बनाने की, वो एक मिस्ट्री सा बना रहा था, लेकिन जिसे अब ओवरकम कर दिया है जेम्स विमर, लाल गुड़ी कृष्णन, इनने मिल करके और इस वायलिन को बना दिया है, और उसी के चलते तमिलनाडु अपने आप में जो है एक सुपीरियर नेम कैरी कर चुका है। 4 क्राफ्ट्समैन जो है, जिसमें से एक तमिलनाडु और 3 केरला से, इन लोगों ने मिलकर एक मील का पत्थर के रूप में साबित किया है अपनी कला को, और हैंडमेड कॉपीज़ बनाई है स्ट्रादिवेरियस वायलिन की, एंड जो कि करीब 1702 के में पहली बार डिज़ाइन हुआ था, है ना, जो कि एंटोनियो स्ट्रादिवेरी ने बनाया था, जो कि इटली के हैं, उनके द्वारा बनाए गए वायलिन को हैंडमेड बना करके और एक नया जो है अपना पेश किया है, एक कला का उत्कृष्ट नमूना पेश किया गया है। सो समवेयर वी कैन से दिस इज़ द मेड इन इंडिया, वी आर जस्ट प्राउड ऑफ आर इंडियन
architecture, Indian craftsmen, Indian everything, every department of India that is working on all these talented, or I can say talented appearance. Okay. The next news is ICICI Bank net jumps 36% to 2599 crores. 36% तक जंप देखने को मिला है ICICI बैंक के अंदर 2599 करोड़ तक. लेंडर्स ने एडिशनल 5550 करोड़ प्रोविजन जो है कुशन बैलेंस शीट को इम्पैक्ट के लिए COVID-19 के दौर में कुशन बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए उन्होंने इतना जो है एडिशनल लैंडिंग देखी गई है 5550 करोड़ रुपीज़ की. सो ICICI ने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही जो है स्टैंड लोन प्रॉफिट जो देखा है आफ्टर टैक्स रूल्स टैक्स बढ़ने के बाद में 36% टू 2599 करोड़ देखा है फ्रॉम 1908 करोड़ अ ईयर अर्लियर. पिछले साल अगर बात करें एक साल पहले की तो 1902 जो आंकड़ा था 2 करोड़ का, अब वो आंकड़ा 2599 करोड़ तक पहुंच चुका है. तो समवेयर वी कैन से दैट बैंक इज गोइंग गुड एंड इट्स वर्किंग क्राइटेरिया इज आल्सो गोइंग गुड. ओके, द नेक्स्ट इज मीट द टीनी बग स्लेयर. ये टीनी बग स्लेयर है बेसिकली अभी रिसेंट जो है टेरोसॉर्स की बात की गई है. डायनासोर्स एंड टेरोसॉर्स से रिलेटेड जो है कुछ एलिमेंट मिले हैं जुरासिक पार्क में. एंड उसी जुरासिक पार्क बेसिकली हमें ये बताता है, उसमें ये बताया गया है कि डायनासोर्स एंड जो गिगेंटिज्म आर सिनोनिम्स. ये दोनों सिनोनिम्स हैं लेकिन अब आपके नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत है. न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज फ्रॉम मेडागास्कर सजेस्टेड दैट डायनासोर्स एंड टेरोसॉर्स एक्स एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स. ये टेरोसॉर्स है जो कि एक्स एक्सटिंक्ट फ्लाइंग जो है रेप्टाइल के रूप में सामने आया है. हैड एक्सट्रीमली स्मॉल एंसेस्टर्स, उनके बहुत ही छोटे एंसेस्टर्स हैं थे एंड जस्ट 10 सेंटीमीटर्स टॉल, और उनकी जो लंबाई है वो करीब 10 सेंटीमीटर तक थी. इट वॉज नेम्ड एज कोंगोनेफॉन. कोंगोनेफॉन कहा जाता था इन्हें कैली, विच रफली ट्रांसलेट्स फ्रॉम दी मेलागेसी लैंग्वेज एज टीनी बग स्लेयर्स. टीनी बग स्लेयर्स जो है मेलागेसी लैंग्वेज में जिसे कहा जाता है उसी का ट्रांसलेशन था कोंगोनेफॉन. ओके, सो ये जो है नया एक एलिमेंट है, नया एडिशनल एलिमेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल प्रिलिम्स में बनता है. तो टेरोसॉर्स को आपको याद करना पड़ेगा. इनके फॉसिल्स जो हैं वो देखे गए हैं. फॉसिल्स टीनी बॉडी साइज मे हेल्प एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फ्लाइट इन टेरोसॉर्स. टेरोसॉर्स के थ्रू जो है टेरोसॉर्स में कैसे धीरे धीरे बढ़े और कैसे इनकी फ्लाइट उड़ने की क्षमता बढ़ी और कैसे इनमें उड़ने की क्षमता का विकास हुआ, ये सारी चीज़ें इन फॉसिल्स से हमें पता चल सकता है. ठीक है, तो स्मॉल बोन्स देखी गई है. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द साइज इट कैरीज द स्मॉल बोन्स एज वेल एज द बॉडी साइज इज ऑल्सो टू शॉर्ट. सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट. द बॉडी साइज इज बेसिकली अराउंड 10 सेंटीमीटर टॉल एंड अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, दिस देन इन्वॉल्वड इन into dinosaurs and pterosaurs which could reach enormous sizes. So somewhere अब हम कह सकते हैं कि gigantism से ऊपर उठकर अब हमने जो है एक नया जो है दौर स्टार्ट किया है या नया एक डिस्कवर जो किया है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो अब नॉलेज एक्सप्लोर करने के तौर पे अगर हम बात करें तो pterosaurs was the ancient teeny bug slayers which is the basic element or basic origin of the flying criteria of dinosaurs. So how this thing organized in a pterosaurs and how it got started, so all these things will be cleared in this particular article. Okay, so don't forget to go through it. And kahan se iske avshesh mile hain, क्या मिला है, कैसे अवशेष मिले हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी. यू शुड गो फॉर इट. ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज हरियाणा टू होस्ट खेलो गेम्स. हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं ये न्यूज़ पहले, है ना. तो अब हम बात करेंगे सैरो सर्वे इन दिल्ली. सैरो सर्वे की बात की गई. व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स, नाउ रिलायबल फॉर आर दे, हाउ रिलायबल आर दे, सॉरी टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ
infection in the community scientist as the National Center for Disease Control, formerly National Institute for Communicable Disease, a health ministry body tasked with monitoring epidemics. Okay, conducted a district-wise serological survey across Delhi from 27th July to 10th July. Okay, 10th July to 27th July. Okay, preliminary findings shows that approximately 23.48% of Delhi's population has been exposed to the virus and that a large number of those infected were asymptomatic. Basically, it is a survey based on Delhi, and this survey says that कुछ जो चीज़ें समझ में आई, जो चीज़ें सामने आई, कितने reliable हैं ये, क्या क्या है सेरोप्रिवलेंस सर्वे, इस सर्वे का क्या मतलब निकला है, क्यों ये सर्वे किया गया, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई है. दिल्ली गवर्नमेंट कॉशन दैट द सर्वे शोड 77% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन से वल्नरेबल सेक्टर्स की बात कही गई है यहाँ पे, कि 77% अभी भी पॉपुलेशन ऐसी है जो वल्नरेबल सेक्शन में आती है इन्फेक्शन के संबंध में. इट हैज़ अर्ज सिटीजन्स टू वेयर मास्क एंड स्ट्रिक्टली मेंटेन सोशल डिस्टेंस. आप स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, मास्क वेयर कीजिए, और इन सारी चीज़ों की आपको सख्त ज़रूरत है, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए सख्त हिदायत दी है दिल्ली के जो पॉपुलेशन है या दिल्ली के जो लोग हैं उनको. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट दैट हाउ वॉज दिल्ली सेरो प्रिवलेंस सर्वे डन, कैसे सर्वे को किया गया, क्या सर्वे का मोटिव था, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में ऑलरेडी बताई गई है. ओके, सो यू शुड गो फॉर इट, यू विल गेट इट. ओके, एलिसा टेस्ट, कवच एलिसा, मतलब जिसे बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हुई है दिल्ली में, जो जो अभी तक हुआ है, जितना सब कुछ भी, उस बेसिस पर ये आर्टिकल. सेरो सर्वे का क्या रोल है, सेरो सर्वे किस हद तक पॉजिटिव साइंस लेकर आया दिल्ली में, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, और किस तरीके से दिल्ली में केसेस को हैंडल करने की शुरुआत हुई है, और क्या ये सर्वे जो है ज़रूरी था या ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा. ओके, द नेक्स्ट इज अ फॉल ऑफ अ रेड कैपिटलिस्ट एम्पायर. ओके, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ फोर पावर्स एंड टू सीज, चार पावर और टू सीज की बात कही गई है. इट इज़ ऑल अबाउट US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया. इंडिया इंडो US जो है नेवल एक्सरसाइज चल रही है इंडियन ओशन में, और उसकी बात कही जा रही है. उसी के साथ में और भी, इंडिया के लिए, फॉर इंडिया अ डिसीजन टू इन्वाइट ऑस्ट्रेलिया टू जॉइन द मालाबार एक्सरसाइज विल नॉट बी एन ईजी वन गिवन चाइनाज फेयर्स अपोजिशन टू द मल्टीलेटरलिज्म ऑफ द कोएलिशन. देखिए, समवेयर हमें ऑस्ट्रेलिया चाइना की बॉन्ड भी देखने को मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करना मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया के लिए कोई खतरे से खाली नहीं है. इवन बहुत ही सिंपल डिसीजन नहीं था, चाइना के एग्रेशन को ज़रूर हमें एक तरफ, जहाँ हम चाइना के एग्रेशन को झेल रहे हैं, वहीं उसी के पार्टनर को जो है इसके लिए इनवाइट करना समवेयर जो है एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है या एक फेयर क्रिएट करता है. So what will be happened after this Malabar exercise and what is going to be the next, ये सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल में पता चलती हैं. इस आर्टिकल में जो है, देखिए इतना क्लियर तो नहीं है, बेसिकली क्वेड और इंडिया की अगर बात की जाए तो समवेयर काफ़ी अच्छा जो है, एक बहुत ही अच्छा जो डिसीज़न है ये इंडिया का देखा गया है. लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिन्हें, जिन डिसीजंस पर हमें नहीं पता होता आने वाले टाइम में क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे. तो ऑस्ट्रेलिया को इस मालाबार एक्सरसाइज में ऐड करने का जो एक रीज़न है, उसके पीछे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो किस हद तक सार्थक रहते हैं, क्या रीज़न है, और उसके पीछे उन रीज़न्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस जो रहेंगे वो फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है. इट इज़ ऑल अबाउट क्वेड, ये पूरा आर्टिकल क्वेड पर बेस्ड है, और इससे रिलेटेड क्या क्या डिसीजंस इंडिया को लेने की ज़रूरत है, अब तक क्या क्या लिए हैं, और किस हद तक ये डिसीज़न है जो वर्क करने वाला है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है. और ना ही इंडिया के लिए ये आर्टिकल, ये जो डिसीज़न है ये इतना ईजी था, लेकिन उसके बाद भी इंडिया टुक दिस डिसीज़न. पैरेलल एक्सरसाइज होंगी इस हफ्ते, इंडो पैसिफिक एंड इंक्लूडिंग ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी होगी US, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अंदर, फिलिपिन सी के अंदर होगी ये, एंड इंडो US नेवल एक्सरसाइज भी इंडियन ओशन में देखी जाएगी.
have fueled speculation that quadrilateral, it means quad exercise, will be landed soon between all four navies. चारों navies के बीच में जल्द ही जो है naval exercise देखने को मिलेगी, quadrilateral exercise देखने को मिलेगी, quad देखने को मिलेगा. So अब आप मुझे comment section में बताएंगे कि आप कितना जानते हैं quad के बारे में, और quad से related जो है सारी information आप मुझे यहाँ पे देंगे कि quad क्या है, कैसे बना ये शब्द और कैसे work करता है, ठीक है. कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है इसमें और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल में देखने को मिलेंगी. सो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई. एक आर्टिकल जो स्किप किया है मैंने, रेड कैपिटलिस्ट एम्पायर का, ये मेरे को जो है डिस्कस करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा. इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं ये, बेसिकली ये चाइनीज़ रेगुलेटरी पर बेस्ड है, तो उससे रिलेटेड जो एसेट्स हैं वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे उसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है. तो रेड कैपिटलिस्ट एम्पायर इट मीन्स चाइना को इंडिकेट किया गया है, उसके फॉल के अंदर क्या जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और हमारे यहाँ पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. इसके अलावा हमने मैक्सिमम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर के यहाँ पे कवर कर लिए हैं. तो देखिए जो इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो हैंडमेड वायलिन बनेगा, है ना, स्ट्रादिवारियस वायलिन. ये आपको याद रखना है कि ये वायलिन क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 1702 का करीब वायलिन है, और इसे अब हमने वापस से हैंडमेड जो है प्रक्रिया के अंदर ले आए हैं हम, तो मेड इन इंडिया हो गया. ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है, तमिलनाडु का इनिशिएटिव है ये, ठीक है. सो यू शुड गो फॉर इट. और इसके अलावा जो प्रीलिम्स बेसिस पे जो इम्पॉर्टेंट है वो आ जाते हैं टेरोसॉस. सो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, टेरोसॉस के बारे में और इस वायलिन के बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा जो है सारी न्यूज़ एक्सरसाइजेज हैं, मतलब आप ये न्यूज़ एनालिसिस है सारी, और ये आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ICICI बैंक का जो जंप है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल आस्पेक्ट से, COVID-19 के इकोनॉमिकल आस्पेक्ट में आप ये कवर कर सकते हैं ये टॉपिक को, है ना. इसके अलावा सैरो सर्वे के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है सैरो सर्वे को लेकर. सो सैरो सर्वे क्या है, कैसे किया गया, क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए गए, क्या इम्प्लिकेशंस हुए, कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना नहीं है, सारी चीज़ें आप इस आर्टिकल में पढ़ने से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है. देन खेलो गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, पंचकूला में, जो कि हरियाणा में है, ठीक है. उसके अलावा जो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ फोर पावर क्वाड, ये तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप प्रीलिम्स लीजिए चाहे आप मेंस लीजिए. प्रीलिम्स में क्वाड के अंदर क्या क्या, कौन कौन से कंट्रीज को सम्मिलित किया गया, क्या क्या एक्सरसाइजेस कहाँ कहाँ पे होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको ध्यान रखने योग्य है. उसी के साथ में मेंस के लिए तो क्वाड इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, कि क्वाड के इंडिया के और क्वाड के जो संबंध हैं उनको दर्शाइए, उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सिक्वेंसेज या जो भी हमें अब तक जितना भी इनिशिएटिव्स हमारे द्वारा लिए गए हैं वो सारे एक्सप्लेन करने हैं. इसके अलावा क्या क्या जो है क्वाड्रिलेटरल के तहत क्या क्या चीज़ें जो है एक्सरसाइज की गई है, किन किन चीज़ें पहले क्या क्या एक्सरसाइज की गई है, अब कौन कौन सी कंट्रीज इसमें सम्मिलित हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में पता होनी चाहिए. सो कमेंट सेक्शन में आज के लिए आपका वर्क है, यू हैव टू राइट दैट क्वाड क्या है और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें सम्मिलित हैं और किस लिए इस ऑर्गेनाइजेशन या ये एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ लिया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट संडे.